तो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि WWE जो कि है वो रेसलमेनिया 34 के ऊपर बहुत सारे जो कि है लास्ट मोमेंट चेंजेस वो करने वाली है, और इस बार जो कि है मेनली जो कि लगता है कि अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना वाला मैच होने वाला है, उसमें एक लास्ट मिनट स्पेकुलेशन ये ऐड हो सकती है कि वो करियर वर्सेस करियर मैच या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट मैच हो सकता है। बट अगर आपको नहीं पता तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर में भी WWE कुछ ऐसे बढ़िया चीजें डाल सकते हैं उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आज मैं कुछ इन चीजों को प्रेडिक्ट करने वाला हूं जो कि स्पेकुलेशन WWE डाल सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस सेकंड चैनल पर जो कि सेकंड वीडियो आज शाम तक आ जाएगी, तो सारे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो ताकि जब वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। और चैनल का नाम हरमन मठौने, अगर मैं लिंक देना भूल जाता हूं तो हमारे चैनल के मेन पेज पर वो अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस बात कर लेते हैं जो कि सबसे बेसिक चीज है कि क्या हो सकता है। तो जो भी होगा उससे पहले मैं बात करूं तो आप सब जो भी है जो भी आपको पॉइंट ठीक लगेगा वो कमेंट सेक्शन में बताना यार ये ठीक है और ये करना चाहिए WWE को ये अच्छा रहेगा, या फिर मैं जो नहीं कवर बात कर पाता वो भी आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप बताओ ये वाला जो मैच है वो अच्छा रह सकता है। स्पेकुलेशन के साथ नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि ये मैच हो सकता है ये हेल इन अ सेल मैच हो सकता है। ये हेल इन अ सेल मैच इस वजह से बहुत बढ़िया रहेगा बिकॉज जो कि ये मैच है ये मैच कंप्लीटली है WWE के जो कि बीस्ट डिस्ट्रक्शन के ऊपर, और जबकि एक अच्छा मोमेंट मिल जाएगा हम दोनों को अंदर लड़ने के लिए। बट थोड़ी सी क्लियरिटी में प्रॉब्लम आएगी दिखने में, हेल इन अ सेल बनाने में थोड़ा बजट भी आई होगा, बट ये जो है डेफिनेटली बहुत सारे पैसे WWE को देने वाला है तो WWE को नुकसान नहीं है कुछ इतने पैसे लगाकर। नेक्स्ट चीज के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रीट फाइट अगर हो जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज टेबल टूट रहे तो चलो कंफर्म है ही, अगर स्पेयर और F5 लगेगा तो उसके साथ टेबल्स तो टूटेंगे, पर उससे बढ़िया WWE क्या कर सकते हैं स्ट्रीट फाइट टेबल्स चेयर्स और ये सब चीजें चलें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बिकॉज स्पेयर से जो कि टेबल टूटना काफी ज्यादा अच्छा लगता है F5 से भी, और उसके साथ साथ चेयर का यूज करना हुक स्टिक्स एंड ऑल दैट जो कुछ भी होता है उससे बहुत बढ़िया जो कि है मूव बन जाता है WWE का। तो ये थे कुछ बेसिक। तो नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम बात करें जो कि WWE डिस्ट्रक्शन को छोड़ के मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर सकती है, तो सबसे पहले जो कि मेरे हिसाब से हो सकता है वो हो सकता है जो कि मैच है वो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हो जाए, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो कि जीतेगा उसे सबसे टाइम के लिए खड़े रहना पड़ेगा और लास्ट जो कि मोमेंट होगी यानी कि जो रेसलर है उसे 10 सेकंड के लिए नीचे लेटना पड़ेगा, और दोनों ही बहुत ज्यादा एबिलिटी के साथ आते हैं, एजिलिटी दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी है, वजह से दोनों आराम से उठ जाएंगे और ये मैच काफी ज्यादा पीक और इंटरेस्टिंग बन जाएगा और रेसलमेनिया ओवरटाइम जरूर चलेगा और ये अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज जो कि है वो करियर वर्सेस करियर मैच WWE बना सकती है। अभी इस वजह से अच्छा होगा जैसे कि हमें पता है ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के बाद बहुत मुश्किल से ही रहने वाले हैं, तो ब्रॉक लेसनर ने रहना तो है नहीं, अगर मान लो ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। WWE अगर मान लो रोमन रेंस को भी बाय चांस अगर WWE रोमन रेंस को भी हरवा देती है, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो स्टोरीलाइन का हिस्सा है, वो वापस आ जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोनों के करियर को लेकर। बट मैच अच्छा होगा, लास्ट में इमोशनल होगा, सारा एरिना रोएगा चाहे कोई भी रेसलर। बट अगर हम बात करें फाइनल चीज के बारे में जो कि अभी तक ऐसा मैच जो कि सिर्फ WWE में 4 बार हुआ है वो अगर इसमें हो जाए तो डेफिनेटली मजा आ जाएगा। 3 stages of hell यानी कि कुछ भी हो सकता है, मान लो एक बार एम्बुलेंस मैच, एक बार डिस्क्वालिफिकेशन से, एक बार लास्ट मैन स्टैंडिंग, और ये चीजें हो जाए कम से कम 45 से 50 मिनट का मैच बनेगा और मैच इतना इंटरेस्टिंग और इतना जबरदस्त बनेगा। मेरे हिसाब से अगर ये वाला मैच स्पेकुलेशन WWE ऐड कर देती है इस बार का रेसलमेनिया का मेन इवेंट सबसे ज्यादा जबरदस्त होने वाला है बिकॉज 3 stages of hell डेफिनेटली बहुत ज्यादा जबरदस्त रहती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जितने भी मैंने बताया इनमें से कौन से आपको सबसे बढ़िया लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख लेते हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं हरमन।